पवित्र
पुत्र है, दुष्स्वप्न के दोष को मिटाने वाला है, मंगलम मंगलानाम च मंगलों का मंगल है, और नारायण ब्रह्मा से इसका संप्रदाय चला है। मैत्रेय तक आया, मैत्रेय सुमित को बताते हैं, जो इस पुराण का श्रवण करता है उसने मानो सब दान कर लिया, उसको गोदान आदि का फल अपने आप मिल गया। इस पुराण के अर्थ हैं साक्षात पुराण पुरुष, साक्षात गोविंद, और उनके सिवाय दूसरी कोई वस्तु नहीं है, वही सर्वरूप है। उनको अपने हृदय में बता लो, वही ज्ञान है, वही ज्ञेय है, वही आदि है, वही अंत है, न उनमें आदि है न उनमें अंत है। सबके हित के रूप से वो सबके हृदय में विद्यमान है, आदि में वही, मध्य में वही, अंत में वही, वो ब्रह्म स्वरूप है, उनके सिवाय ये सत्य नहीं है। तो नारायण जो पुराण का पाठ करता है, श्रवण करता है, उसको परम फल की प्राप्ति होती है। अपने मन को परमेश्वर में लगा, नरक की तो चलते ही छोड़ दो, स्वर्ग भी विघ्न है। परमेश्वर में मन लग जाने पर ब्रह्मलोक छोटा हो जाता है। जब परमेश्वर अपने हृदय में प्रकट हो जाता है, अविद्या और अविद्या का कचरा दूर करने पर प्रकट हो जाता है, तो अविद्या की निवृत्ति से उपलक्षित जो अपना आत्मा है वही मुक्ति स्वरूप है। यज्ञ के लिए यज्ञ देवता लोग जिस यज्ञेश्वर की आराधना करते हैं, ज्ञानी लोग जिस परब्रह्म परमात्मा का ज्ञान ध्यान प्राप्त करते हैं, जिनका चिंतन करने पर जन्म और मृत्यु से छुटकारा मिल जाता है, न बढ़ना होता है न घटना होता है। जो परमात्मा है कहो तो है, नहीं नहीं कहो तो नहीं नहीं, है और नहीं से बिल्कुल विलक्षण है उस परमात्मा, वो परमात्मा जब तक अपने आत्मा के रूप में उस परमात्मा का साक्षात्कार नहीं होता, तब तक वही बना रहता है। देखो, पितर के रूप में भी परमात्मा है, देवता के रूप में भी परमात्मा है, स्वाहा स्वाहा कह करके उसी की आराधना होती है। सारे प्रमाण और प्रमेय के व्यवहार, ये गांव के लोग जो हैं, वो कदाचित साधन और साध्य के बारे में तो कुछ समझते हैं, परंतु प्रमाण और प्रमेय के बारे में बिना सत्संग के बात समझ में नहीं आती। जैसे आंख अपने शरीर में है और बाहर के रूप को देखते हैं, वैसे ज्ञान भी अपने शरीर में है और उससे परमात्मा का दर्शन होता है, और परमात्मा का दर्शन होने पर शरीर और ज्ञान दोनों परमात्मा में लीन हो जाते हैं। संपूर्ण प्रमाणों के प्रमाण परमात्मा है और नारायण, उनमें मनुष्य की निष्ठा होना बहुत कठिन है, और परमात्मा में निष्ठा केवल श्रवण से होती है। ये न स्नान से होती है, न दान से होती है, न दर्शन से होती है, न तपस्या से होती है। अज्ञात परमात्मा का ज्ञापन केवल शब्द के द्वारा, केवल श्रवण के द्वारा होता है। एक अनजानी चीज के बारे में अगर बताया नहीं जाएगा और बताई हुई बात को कोई सुनेगा नहीं, तो उसको मालूम नहीं पड़ेगा। इसलिए परमात्मा में निष्ठा केवल श्रवण के द्वारा होती है। परमात्मा का न आदि है और न अंत है, और न उनमें वृद्धि है न परिवर्तन है, न उनमें न्यूनता है न उनमें विकार है। ऐसे पुरुषोत्तम प्रभु, जब हम अपने परिच्छिन्न अहम का परित्याग कर देते हैं, तब आत्मा के रूप में ही उसका साक्षात्कार होता है। और दुनिया से, जगत से बिल्कुल अलग है परमात्मा, ये तो द्वैत की स्थिति है।
परमात्मा से अलग है संसार, ये भी द्वैत की स्थिति है, और संसार से अलग है परमात्मा, ये भी द्वैत की स्थिति है। अद्वैत तो सब होता है कि जब आत्मा से परमात्मा अलग नहीं और परमात्मा से जगत अलग नहीं, तो वो स्वयं परमात्मा ही अनेक होकर भाग रहा है, वो शुद्ध होने पर भी अशुद्ध होकर भाग रहा है, फिर अनेकता में उसी की एकता है। जो जड़ स्वरूप नहीं है, ज्ञान स्वरूप है, और वही परमात्मा कर्म के रूप में प्रकट हो रहा है, हम उनको नमस्कार करते हैं। वही संपूर्ण विश्व सृष्टि के रूप में है, वही व्याकृत है, वही अव्याकृत है, वो अपना स्वरूप है, अगर समझ है। देखो, कोई युक्ति के द्वारा, विवेक के द्वारा, अनुभव के द्वारा, स्वतंत्र अनुभव के द्वारा जानना चाहे तो अपने को सब प्रकार सर्वावधारक के रूप में जान सकता है कि मेरी दृष्टि में सब है और मैं ही सबको देखता, जानता, समझता हूँ, और मैं सबसे अलग हूँ, सबसे परे हूँ, सबसे निराला हूँ। ये बात विवेक से भी मालूम पड़ सकती है, दृष्टि से भी मालूम पड़ सकती है, अनुभव से भी मालूम कर सकती है, साधना से भी मालूम कर सकती है, और सब साधनों का त्याग कर देने से भी मालूम कर सकती है। परंतु इसी का नाम वेदांत नहीं है। वेदांत तो वो है जहाँ संपूर्ण जगत का परम कारण कारण जो अद्वितीय ब्रह्म है वो अपना स्वरूप है। मैं जगत से अलग और जगत से अलग मैं परमात्मा से एक और परमात्मा से अलग ये जगत नहीं, अनुभव की वेदांत के अनुभव की ये प्रणाली होती है। मैं देह से अलग और देह से अलग और परमात्मा से एक और मैं परमात्मा से एक और जगत मुझसे अलग है। जब तक मैं परमात्मा से अलग हूँ तब तक जगत अलग है और मैं अलग हूँ, और जब मैं जगत से अलग होकर परमात्मा से एक हो जाता है तब मुझसे अलग ये जगत नहीं रहता है। तो नारायण यही ज्ञान प्रवृत्ति का नियम है, वही परमात्मा सर्व रूप में आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी के रूप में मालूम पड़ रहा है, वही शब्द स्पर्श रूप रस गंध के रूप में मालूम पड़ रहा है, वही आँख कान नाक जीभ संपूर्ण इंद्रियों के रूप में मालूम पड़ रहा है, वही अंतःकरण के रूप में मालूम पड़ रहा है। इस प्रकार केवल भान मात्र विविधता जिसमें प्रकट हो रही है उस वो सनातन पुरुष सबके हृदय में उनकी आत्मा के रूप में प्रकट हो और सबका कल्याण हो, इस तरह जो पूरा पूरा होता है। प्रभु भगवान अशेष संसार हरिदत्त जन्म जराधिकाम, आप जन्म जन्म के पुण्यशाली हैं, भाग्यशाली हैं, भगवान की कृपा पात्र हैं। आपने बड़े प्रेम से ये विष्णु पुराण श्रवण किया।